अभी वायरिंग का काम चल रहा है। पैनल अभी खोला है हमने, फिर काम है पूरे घर की वायरिंग का। अभी इधर की वायरिंग है, पूरी वायरिंग वायरिंग करनी है। 120 गज का मकान, शीट यहाँ लग गई। ये हमारे मोहित भाई, मोहित भाई शक्ल तो इधर कर लो। ये भाई मोहित भाई ने फोर सीलिंग की लाइटें लगा दी। वो वॉशरूम अटैच वॉशरूम जी जी पी लेंगे। ये हमारे भाई हैं जिनका मकान बन रहा है भाई। नाम क्या था, नाम भूल जाता हूँ एक तो मैं। जवाद भाई, जवाद भाई का घर है भाई। अब यहाँ की भी लाइटें ऑन करनी है, लाइटें बंद पड़ी हैं, तार वार वायरिंग वगैरह सब खींच गई है। ठीक है, उस टाइम कच्चा था, नहीं तो उस टाइम कच्चे की दिखा था। बोल सिखाना, बकाया जब फिनिश हो जाएगा तो फिनिश की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। क्या चीज़ छोटा वाला जो पहले लाया था, ये पकड़ो, ये पकड़ो। पहला बटन, दूसरा बटन, पहला फैन का हो जाएगा, दो लाइट हो जाएगा। टेढ़ा करने का फायदा, दीवा खुदी खुदी बा खुदी चल जाए मोबाइल। हाँ पीछे हो जाओ, पीछे से पूरे लोग ये स्टूल स्टूल सारी चीज़ आ जाए। ये देखें भाई, ये सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें से मैं आपको समझाऊं। ये MPPT है, चार प्लेटें लगी हुई हैं। इस टाइम पे 28 एम्पीयर दे रहा है, ठीक है। 14 वोल्ट बैटरी फुल हुई और लोड भी घर का चल रहा है ना, ठीक है। और ये एक चार्जर लगाया हुआ है मैंने, और ये दूसरा चार्जर लगाया हुआ है। ये मेरे हाथ का बना हुआ है, ये मैं खुद असम्बल करता हूँ। ये मार्केट से लिया है, ये लोकल चार्जर है, ये मैं खुद असम्बल करता हूँ, ठीक है। ये एम्पेयर भी बताता है और वोल्ट भी बताता है। अभी बिजली गई भी, हमारा सारा लोड सोलर से चल रहा है। और ये तीन बैटरियाँ लगाई हुई हैं, 100 एम्पेयर की दो, और एक है 230 एम्पेयर की। तो ये हो गए आपके 100, 200 और 230, 430 एम्पेयर ये चल रहे हैं। और एक UPS ये है, ये चल रहा है। मैं इनको ऑन कर देता हूँ, UPSO को भी, इनका घर का लोड। ये रहे, ग्रीन बत्ती जल गई होगी। और एक UPS ये है, ये भी ऑन कर देता हूँ। एक फ्लोर का जो ना ये UPS है, फ्लोर बाई फ्लोर UPS लगाया मैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अभी नीचे का फ्लोर बंद है, उधर जो है ना थोड़ा काम चल रहा है, नहीं तो ये नीचे का फ्लोर भी UPS ही आपका चलता। वैसे मैं ऑन करके चेक करा देता हूँ। ये ग्रीन बत्ती आ गई, ये तीन UPS इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप देख लें तीनों की ग्रीन बत्ती जल्दी। तो पूरा दिन ये सुबह 8 से लेकर शाम तक के फ्री चल रहा होता है, और उसके बाद 6 बजे के बाद जो है ना ये फिर वो चार्जर पे शिफ्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक पे ना। जितनी जो सोलर से बैटरी चार्ज हुई होती है पूरे दिन की, वो शाम तक के चलती है 8-9 बजे तक के। उसके बाद भी अगर लाइट जाएगी तो फिर वो के इलेक्ट्रिक से ऑटोमेटिक चार्ज करवा देगा। ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, ये ऑटोमेटिक करता है। अगर ये बिजली के तार लगे हुए भी होंगे दिन में तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये जब तक धूप है उसको के इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं होने देगा। अभी देखें 43 एम्पीयर से चार्ज हो रहा है, 43 एम्पीयर, क्योंकि सोलर के 43 एम्पीयर आ रहे हैं। वो दिखाओ एम्पीयर मीटर, ये हमारा है एम्पीयर मीटर, तकरीबन 20,000 रुपये का एम्पीयर मीटर है। ये इन्हीं कामों के लिए लिया है मैंने। 7 एम्पीयर इस बैटरी में जा रहे हैं, और तकरीबन भी ये पकड़ूंगी, छब्बीस एम्पीयर इस बैटरी में जा रहे हैं। देखें थोड़ा सा कैमरा भी मेरा एम ही है,
लेकिन क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। 26 एम्पेयर इस बैटरी में जा रहा है। एम्पेयर बढ़ गए भाई तुम्हारे? हाँ, बैटरी लगा के देख पहले कितने एम्पेयर आ रहे थे। 13 थे, अभी कितने? 45 हो। साफ कर दिए।